कैसे लगे मूवी? बहुत अच्छी मूवी। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में? एक्शन अच्छा है, रोहित शेट्टी ने सबको एक साथ उठा के लेकर आए हैं। ये जो कॉप्स उन्होंने बनाया यूनिवर्स कॉप, बहुत अच्छा लगा है। और एंड में चुलबुल पांडे साहब भी आ गए, अगला मिशन लेकर आ रहे हैं। वेरी नाइस। और अक्षय कुमार की एंट्री कैसी लगी? अक्षय कुमार की एंट्री एकदम जैसे हमारा एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल वैसा इन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा लगा सर, एक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। मतलब ना हम लोग एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने, जबरदस्त कॉमेडी, बहुत अच्छा दिया। कॉमेडी भी बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छी लगी सिंघम? एकदम बढ़िया थी। क्या क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? मतलब जब टाइगर के होती है एंट्री, बहुत बढ़िया थी। अच्छा, टाइगर स्वरूप का काम अच्छा लगा? सबका काम अच्छा था। मतलब एक्शन वगैरह के बारे में बताइए कैसा था? एक्शन तो सबने अच्छा किया, एकदम बढ़िया मूवी थी। सबसे अच्छा एक्शन किसका लगा आपको? अजय देवगन का। अजय देवगन और अक्षय कुमार की एंट्री, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल थी हेलीकॉप्टर के साथ। वो तो परमानेंट था, अच्छे हेलीकॉप्टर। अच्छा ये बताइए फिल्म में कॉमेडी वगैरह है या नहीं? कॉमेडी भी और एक्शन भी। कॉमेडी सबसे ज्यादा अपने रणवीर सिंह ने की थी। वो तो है ही, मुझसे के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी करी मूवी। जी जी जी, जितनी उम्मीदें लेकर आए थे उतना एंटरटेनमेंट मिला आपको फिल्म में? तो मिला, उससे ज्यादा मिला, उससे ज्यादा। सुपर हिट, एकदम सुपर हिट। बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत जबरदस्त। कहानी के बारे में बताइए, कहानी पसंद आई? नहीं तो शेट्टी बना रहा है रोहित यार, कोई पूछने की बात है यार। तो अच्छी लगी कहानी यार, तीनों पार्ट, चौथा पार्ट भी बहुत बढ़िया था। जी जी, हर आल सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और अब तो चुलबुल का यह इंतजार है। चुलबुल पांडे के एंट्री के बारे में बताइए कैसे? जबरदस्त, खतरनाक। उठ रहा था उसको देख के बैठ गया, फिर चुलबुल को देखा तो और मजा आ गया। मतलब एक तरह से पूरी उन्होंने एवेंजर बना दी। अरे यार अब तो वेट रहेगा। किसका वेट रहेगा? चुलबुल का ही रहेगा। चुलबुल तो बात सुनकर सिंघम को तो देख लिया यार। जी जी, तो मतलब सबका काम अच्छा लगा आपको फिल्म में? सबसे अच्छा लगा थिएटर, बहुत अच्छा बन गया अपने पड़ोस वाला। अरे सपना संगीता, सपना संगीता नहीं, सपना संगीता थिएटर चालू हो चुका है इंदौर में। नहीं, बहुत बढ़िया यार। देखो फिल्म तो फिल्म थी और जो अंदर काम हुआ थिएटर का, उसकी भी तारीफ करो बनता है यार। जिसने भी बनाया है, क्या साउंड क्वालिटी थी यार, एकदम मजा आ गया। अच्छी मूवी है, मसाला मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी है। ओवरऑल सिंघम की जो जान है वो अजय देवगन है, लेकिन इस बार ना जान के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया। आप ये बताइए कि अक्षय कुमार की एंट्री कैसी लगी? अक्षय कुमार की एंट्री काइंड ऑफ जैसी मतलब मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी ही है। सभी कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल प्रॉपर टाइम दिया गया, इसके अलावा सबको देखकर अच्छा लगता है। बट अजय देवगन तो अजय देवगन ही है सर। एक्शन के बारे में बताइए। एक्शन अच्छा है, एक्शन इनहेंस है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मूवी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, एवरीथिंग, एक्शन, स्टोरी, ड्रामा, अजय देवगन, एक्टर्स की एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सिंघम वाली वाइब नहीं आती है। कैसी वाइब आ रही है? देखिए सिंघम जब पहली वाली हमने देखी थी तब हम लोग बहुत छोटे थे, और उसको देखकर लाइक हम लोग ना स्कूल में ड्रामास में हम लोग सिंघम सिंघम किया करते थे, तो इसमें वो सिंघम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी ये कहूँगा कि ये मूवी जो है ना वो अच्छी ही मूवी है। मतलब इस मूवी को है ना थोड़ा सा मैं समझता हूँ लेट बनाना था सबको असेंबल करने के बाद, लेकिन सिंघम नाम से असेंबल कर दिया, ठीक है समझ में आता है। लेकिन हाँ मूवी में वो सिंघम वाली वाइब नहीं आती। अगर आप इसको एवेंजर टाइप की वाइब आती है, एवेंजर वाली वाइब आती है, लेकिन हाँ आप इसको कह सकते हो, आप अगर इसको सिंघम से हटके मूवी सोचोगे तो अच्छी मूवी लगेगी आपको। अच्छा ये बताइए टाइगर श्रॉफ की एंट्री कॉपी यूनिवर्स में कैसी लगी? देखिए टाइगर श्रॉफ की एंट्री ठीक है, दीपिका पादुकोण की एंट्री ठीक है। मैं समझता हूँ अर्जुन कपूर की जगह पे कोई बेहतरीन एक्टर को लेना चाहिए था, इनफैक्ट एक ऐसा विलन लेना चाहिए था जिससे ऑलरेडी लोग डरते हो। साउथ में इतने बढ़िया बढ़िया विलन है, अब अर्जुन कपूर नाम का एक कैरेक्टर है जिसको आप ऑलरेडी एक विलन दिखा रहे हो और उसको मारने के लिए इतने सारे हीरोज दिखा रहे हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती। क्योंकि अर्जुन कपूर जैसे लोंडे है ना, अजय देवगन और अक्षय कुमार ना सुबह नाश्ते में चबा जाते हैं। बट अर्जुन कपूर का परफॉर्मेंस कैसा लगा? अर्जुन कपूर का परफॉर्मेंस ठंडा है। अगर लीड विलन जेकी श्रॉफ सर को रहने देते ना तो ज्यादा मजा आता। कहीं ना कहीं कहानी को अगर उल्टा कर देते ना कि जेकी श्रॉफ सर की जगह अर्जुन कपूर की जगह जेकी श्रॉफ सर, तो ज्यादा मजा आता। मतलब लगता कि लीजेंड वर्सेस लीजेंड की लड़ाई हो रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि शेर को भेज दिया कुत्ते का शिकार करने। अच्छा क्या क्या चीजें अच्छी लगी आप ये बताइए मुझे। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक्शन बहुत अच्छा है, फिल्म का बीजीएम बहुत अच्छा है, एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है फिल्म को। मतलब यूं कहूंगा कि फिल्म को बिल्डअप बहुत अच्छा दिया है, फिल्म में सब कुछ अच्छा किया है। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे। जो रामायण का रेफरेंस दिया है इसमें, अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ, जो स्टोरी का बिल्डअप दिया ना, जो रामायण से कैरेक्टर्स को जो लाइक अटैच जोड़ा गया है वो देखने में अच्छा लगता है। कुछ एक सीन तो लिटरली आपको गूजबम सीन वाले गूजबम सीन क्रिएट कर देते हैं, लाइक जैसे रणवीर सिंह का हनुमान जी की तरह बैठना, अजय देवगन सर का राम जी की तरह चलना, और लाइक जब वो अपहरण वाला सीन दिखाते हैं जब वो माता सीता की तरह उठाते उसको लाइक रावण, तो वाकई में वो चीजें फील कराती है आपको कि यार इस कहानी को कहीं ना कहीं जोड़ा गया रामायण से।
बट ये कह सकते हैं कि फिल्म देखने लायक है और देखने लायक है। और फिल्म में ना छोटे से सीन से रामायण के लाइक जैसे छोटे से सीजीआई वीएफएक्स दिखाते हैं ना, हाँ? वो जो छोटी सी एक जो क्लिप दिखाई है ना रामायण की सीजीआई वीएफएक्स जो रामायण देने के लिए, वो एक रेफरेंस जो है ना वो तीन तीन घंटे की जो इसके पहले आप समझ सकते हो मैं किन मूवीज के बारे में बात करूं। हाँ हाँ। रामायण के ऊपर जो मूवीज बनी ना वो दो से तीन मतलब कह सकते हो रोल 10 मिनट की जो क्लिप है ना वो 3 घंटे की मूवी पर भारी है। अगर इन फ्यूचर कोई रामायण बनाता है तो उसे ना रोहित शेट्टी सर की लगी कहूंगा सिंघम अगेन से इंस्पायर होकर चीज सोचना चाहिए कि भैया ऐसे वीएफएक्स और ऐसी एक्टिंग डालनी है। आउट ऑफ 5 कितने? आउट ऑफ 5 में फिल्म को 4 स्टार दूंगा क्योंकि वाकई में मजा आता मूवी को लेकर। अजय देवगन सर को तो पूरे 5 स्टार, अक्षय सर को भी 5 स्टार, हाँ। और जितने भी एक्टर सारे 5 स्टार। बस वो जो मैंने 1 स्टार काटा सिर्फ इसलिए क्योंकि विलन मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा जितना होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।